वो तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास है मोटरोला एज एस और मेरे एक बात समझ से बाहर है, मतलब इसकी डिस्प्ले तो फ्लैट है, इसका नाम एज एस क्यों रखा है? अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय द वे यहाँ पर हमारे पास इसका बॉक्स आ चुका है, जैसे आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको उल्टा फोन देखने के लिए मिलेगा। ये किसी ने रख दिया, टेक टू। तो यहाँ पर जैसे आप बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा साक्षात फोन। एंड फोन का जो डिस्प्ले साइज है 6.7 इंच का है, काफी बड़ा फोन है। जैसे आप इसे हाथ में लोगे तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा किया हुआ है। बाय द वे इसका जो वेट है वो 200 प्लस ग्राम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इसे साइड में रख देते हैं, बाकी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। बॉक्स में से हमने कवर पहले ही निकाल लिया था क्योंकि बॉक्स पहले ही खोल दिया था हमने। तो यहाँ पर ये है, बाकी आपको 20 वोट का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है। 2021 के अंदर 20 वोट का फास्ट चार्जर, आप इस बात से कितना एग्री करते हैं वो हमें जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो देखनी है फोनों की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इस साल से पहले हमें 8 लाख की फैमिली कंप्लीट करनी है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले इस फोन की मेन हाईलाइट की, जो है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। यह भी एक तरीके से फ्लैगशिप प्रोसेसर है, इसे मैं कहूंगा फ्लैगशिप किलर प्रोसेसर है इसके अंदर। तो यहां पर जो आपको प्रोसेसर दिया गया है, यह पहला ही फोन था जिसके अंदर यह प्रोसेसर मिलता था, उसके बाद रेडमी K40 के अंदर मिलता है जो हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। तो यहां पर हम बता दें इस प्रोसेसर के बारे में। तो सबसे पहले मैंने एंड्रॉइड रन कराया, बैकग्राउंड में से सारी ऐप रिमूव करी। यहां पर आप टेम्परेचर देख सकते हैं, 31 डिग्री सेल्सियस था। फुल ब्राइटनेस ऑन करके जैसे स्टार्ट करा तो एंड्रॉइड के अंदर सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो ग्राफिक्स वाला पार्ट है वो काफी स्मूथ रेंडर हुआ और बिल्कुल ये फ्लैगशिप वाली परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है ऑब्वियसली। और यहां पर जो स्कोर आया वो 610,000 आया। बाय द वे यहां पर जो बॉडी टेम्परेचर था वो पूरा बड़ा 11 डिग्री सेल्सियस यानी कि 42 डिग्री सेल्सियस हो गया। एंड सेकंड टाइम मैंने रन कराया तो यहां पर स्कोर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ एंड टेम्परेचर पहुंच गया 46 डिग्री सेल्सियस। बाय द वे यहां पर मैंने जितनी भी बार टेस्ट किया मेरे को कभी भी ब्राइटनेस ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिला। थर्ड टाइम आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस चला गया एंड जो स्कोर था वो काफी ज्यादा कम हो गया। एंड फोर्थ टाइम जब आपके भाई ने रन कराया तो यहां पर आपको मैं बता दूं इसका जो स्कोर था वो थोड़ा सा अप हुआ, यहां पर पहुंच गया 5,90,000 समथिंग। एंड जो टेम्परेचर था बॉडी का वो 48.9 डिग्री सेल्सियस चला गया, जो कि काफी ज्यादा हॉट होता है। मतलब हीट इतना हो गया था फोन इतने टेस्ट में कि आपको ऊपर से पता चल जाएगा जब ये हीट होगा, ये इतनी हीट फेंकता है बाहर को, तो भाई ये काफी हीट हो जाता है। इवन अगर आप इसे नॉर्मली यूज भी करें तो ये वार्म हो जाता है। तो यहां पर मेरे को नहीं पता कि इस प्रोसेसर के साथ ये दिक्कत है या मोटरोला वालों ने थोड़ा इंटीग्रेशन में कमी कर दी है। तो यहां पर ये चीज हम जब भी बता पाएंगे प्रोसेसर के अंदर कमी है, मोटरोला के अंदर कमी है, जब हम रेडमी K40 सेम प्रोसेसर के साथ ये फोन यूज कर लेंगे। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं मैंने सीपीयू थ्रोटल टेस्ट किया इसके अंदर और थ्रोटलिंग मैंने देखा कि नहीं मिली 10 मिनट तक बिल्कुल भी। इवन स्नैपड्रैगन 888 से ज्यादा कंसिस्टेंसी शो कर रहा था थ्रोटल टेस्ट में। बाय द वे यहां पर जैसे 10 मिनट पर गया तो इसका ग्राफ 80% पर नीचे आ गया। तो यहां पर मेरे हिसाब से कंसिस्टेंट है, बट जब हीट हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा डाउन हो जाता है इसका ग्राफ, और हीट भी कम नहीं होता, अच्छा खासा होता है जैसे कि आपने देखा यहां पर। अब यहां पर मैं बता दूं जो लोग गेमिंग करना चाहते हैं तो यहां पर जीपीयू टेस्ट मैंने करा, उससे पहले मैं बता दूं इसके अंदर आपको फुल ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं किसी भी गेम के अंदर, तो ये कमाल की चीज लगी। और यहां पर जब आप गेम खेलोगे तो आपको बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो भाई पावर के मामले में एक नंबर फोन लगा मुझे। और यहां पर जब मैंने इसका टेस्ट करा तो इसके अंदर मेरे को फ्रेम रेट्स देखने के लिए मिले 30.30 FPS, और ये काफी कमाल के हैं। मतलब 22,500 रुपीज़ का ये फोन मिला है बाहर से मुझे, और यहाँ पर देखा जाए तो इसके अंदर इतने तगड़े ग्राफिक्स मिल रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर ये 25,000 तक का भी फोन आता है इंडिया के अंदर तो ये वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल फोन होने वाला है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, और इसे हम पोको F2 भी कह सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो आपके स्टोरेज देखने के लिए मिलती है UFS 3.1 है, मतलब फ्लैगशिप वाली स्टोरेज दी गई है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरेज एंड यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, अगर आप कोई हैवी एप्लीकेशन भी खोलते हो तो बिल्कुल जल्दी से खुल जाती है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस तो इसकी बिल्कुल फ्लैगशिप वाली है, बट यहाँ पर जो एक चीज मेरे को लगी कमी वो ये कि ये फोन आसानी से हीट हो जाता है, और इस चीज को हम कन्फर्म करेंगे रेडमी K40 को यूज करने के बाद। बाकी एक कमाल की चीज ये है मोटरोला के फोन के अंदर, इसके अंदर हैप्टिक्स काफी कमाल के देखने के लिए मिलते हैं, बिल्कुल 30-35,000 वाले फोन के अंदर जैसे मिलते हैं बिल्कुल यहां पर भी वही मिल जाते हैं। तो यहां पर ये चीज है। बाकी इसके फिंगरप्रिंट की बात करें तो यहां पर आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है, इसकी स्पीड अच्छी है और यहां पर हैप्टिक भी मिलता है, मतलब वाइब्रेशन कमाल की है, तो ये चीज मेरे को काफी कमाल की लगी। अब यहां पर बात कर लेते हैं सीधा इसकी बिल्ड की तरफ, क्योंकि यहां पर मोटरोला ने थोड़े से पैसे बचाए इसमें। तो यहां पर जो आपको बैक पैनल देखने के लिए मिलता है, इसका कैमरा मॉड्यूल काफी हद तक ओप्पो का F17 प्रो देखने के लिए मिला था उसकी तरह है, और यहां पर जो बैक है इसमें प्लास्टिक का यूज किया गया, और जो कलर है यहां पर दो देखने के लिए मिलते हैं इसकी बैक में, मतलब एक फोन दो कलर, एक तो यहां पर ब्लू और एक पर्पल, मतलब जैसे लाइट पड़ेगी उस हिसाब से एक कलर दिखाएगा। और इसकी बैक काफी हद तक देखने में लगती है वीवो के V20 प्रो सीरीज की तरह, V20 सीरीज की तरह, बट उसमें आपको ग्लास बैक दी गई थी, यहां पर आपको प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है।
मिलती है और इसकी प्लास्टिक पर हल्की फुल्की स्क्रैच आ गई है और स्मजेस भी आसानी से लग जाते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, लाइक मोटरोला की प्लास्टिक इतनी अच्छी नहीं होती, मैंने काफी बार यूज किया है मोटरोला के फोन, बट एट द एंड मेरे को थोड़ी सी इन हैंड फील में कमी लगी इस फोन के अंदर, लेकिन इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी कमाल का है। तो ये बात हो गई इसके डिजाइन की, और डिजाइन से बात यहाँ पर मेरे याद आई कि यहाँ पर जो आपको कैमरा सेटअप दिया गया है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन में ब्लू रिंग है और एक में ट्रांसपेरेंट रिंग है, तो ये ना ग्लो करती है। यहाँ पर जब आप मैक्रो शॉट लोगे तो मैक्रो शॉट लेते समय लाइट कट हो जाती है साइड साइड की, तो आप इसको ऑन करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फोटो है, एक लाइट के साथ एक विदाउट लाइट के साथ है। तो यहाँ पर जो रिंग लाइट है उसका यूज ये है कि आपको ज्यादा अच्छी डेप्थ देखने के लिए मिलेगी मैक्रो शॉट में, तो यहाँ पर इसका काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। बाकी यहाँ पर आपको मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है, आप फोटो देख सकते हो। और मैं भी फोटो पर ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इंडियन यूनिट जब आएगी उसके अंदर आपको हो सकता है थोड़े बहुत कलर इधर उधर देखने के लिए मिले, तो यहाँ पर ये भी चीज है। बाकी अभी तक मेरे को डायनेमिक रेंज वगैरह अच्छी देखने के लिए मिली, इवन यहाँ पर लाइट कंट्रोल भी काफी अच्छी देखने के लिए मिली। और यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिलता है, आप अगेन यहाँ पर देख सकते हैं फोटो काफी अच्छी कैप्चर करता है और जल्दी से कैप्चर कर लेता है। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये 6K में रिकॉर्ड कर सकता है वीडियो को 30 FPS में, तो ये काफी बड़ी चीज है इस प्राइस के फोन के अंदर। और इसके अंदर आपको डेप्थ कैमरा सेंसर भी देखने के लिए मिलता है, मतलब TOF कैमरा सेंसर भी दिया गया है इसके अंदर, और सैमसंग ने TOF कैमरा सेंसर निकाल देता है जस्ट बिकॉज अभी एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर इसका यूज नहीं लिया जाता इतना, तो यहाँ पर मेरे को ये यूजलेस लगता है, तो यहाँ पर पता नहीं मोटरोला ने क्यों दे दिया, तो ये बात मेरे समझ से बाहर है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सीधा इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको दो कैमरा सेंसर दिए गए, एक मेन कैमरा सेंसर 16 मेगापिक्सल का, एक अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का। एंड अगेन यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, लाइट कंट्रोल वगैरह काफी सही है, इवन यहाँ पर मैं बात करूँ डायनेमिक रेंज की भी अच्छी देखने के लिए मिल रही है, तो यहाँ पर मेरे को फोटो से कोई भी शिकायत नहीं है। तो यहाँ पर ये बात हो गई इसके कैमरे की। अब बात करें हम इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के बारे में बस यही कहूंगा इसके अंदर IPS LCD पैनल है, फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज देखने के लिए मिलता है, काफी ज्यादा स्मूथ है, HDR10 डिस्प्ले है, इसकी चिन छोटी है, बट यहाँ पर जो दो पंच होल दिए गए हैं ना, मतलब ये थोड़े अजीब लग रहे हैं, सिंगल पंच होल दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। और यहाँ पर कौन सी प्रोटेक्शन है नहीं बताया गया, बट स्टिल यहाँ पर जो क्लियरिटी है डिस्प्ले की वो काफी सही है, इवन जो यहाँ पर पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है वो है 560 निट्स की, अगर आप इसे आउटडोर में भी ले जाते हो ना हार्श कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट वगैरह इजिली देख पाओगे। बट यहाँ पर जो एक चीज आती है, लाइक इसके अंदर जो बैटरी देखने के लिए मिलती है आपको वो 5000 mAh की और 20W की फास्ट चार्जिंग जैसे मैं पता है, तो इतनी बड़ी डिस्प्ले है 6.7 इंच की और ऊपर से 90 हर्ट्ज का पैनल है, एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह कि IPS LCD पैनल है, तो जिसकी वजह से बैटरी बैकअप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मिलना चाहिए था, तो यहाँ पर ये मेरे को थोड़ी सी कमी लगी। ऊपर से मोटरोला ने 5000 mAh की बैटरी के बाद भी फोन थोड़ा मोटा किया हुआ है, लाइक सैमसंग के फोन देखते हैं वो 7000 mAh बैटरी के साथ इतना मोटा करता है फोन को, तो यहाँ पर ये चीज अजीब लगी। बाकी यहाँ पर मोटरोला के साथ हमेशा से ये रहा है, लाइक थोड़ी भी mAh की बैटरी बढ़ाएगा तो फोन मोटा कर देता है, तो यहाँ पर मेरे को ये थोड़ी कमी लग रही है इस फोन के अंदर बैटरी को लेकर। और डिस्प्ले यहाँ पर AMOLED होता तो थोड़ा बेटर होता क्योंकि हमें थोड़ा बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाता। अब यहाँ पर बात कर लें इसके स्पीकर्स की, तो यहाँ पर मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। तो यहाँ पर बेशक आपको ना मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं, बट एक्चुअल में इनकी क्लियरिटी काफी अच्छी है, इवन मेरे को स्टीरियो स्पीकर्स की जरूरत नहीं है, इतने लाउड हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, 3.5mm जैक का जो यहाँ पर गड्ढा दिया गया है इसकी भी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। तो यहाँ पर मेरे को एक इसकी बैटरी थोड़ी और mAh की हो सकती थी, वरना इसमें AMOLED पैनल होता इतनी बड़ी डिस्प्ले में तो वो चलता, क्योंकि यहाँ पर बैटरी बैकअप अगर आप इसे 90 हर्ट्ज पे यूज करते हो तो आपको सुबह चार्ज किया है तो शाम को फिर से चार्ज करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर ये चीज देखने के लिए मिली। बाकी ये फोन थोड़ा सा हीट होता है, बट ऑल ओवर बात करूं अगर ये फोन इंडिया के अंदर 25,000 में आ जाता है तो मेरे को नहीं लगता कि इस फोन को बीट कर पाएगा कोई फोन, क्योंकि यहां पर परफॉर्मेंस आपको एक नंबर मिल रही है, इवन कैमरा भी अच्छे हैं इस फोन के। तो यहां पर अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये फोन इंडिया के अंदर आ सकता है, क्योंकि मोटरोला के जैसे इतिहास रहा है अच्छे फोन इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं होते भाई। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, 10,000 लाइक्स का एम क्या है। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करो टू वॉच योर हार्ट फील शेड्यूल विद HFV Unbox गाइस, बाय।